शनिवार को मुरारी बापू कथा के दूसरे दिन कथा करने के बाद प्रसिद्ध गीता वाटिका मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। तत्पश्चात गोरखनाथ मंदिर पहुंचे विश्वविख्यात कथावाचक मुरारी बापू जी। वहां पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले महायोगी गुरु गोरखनाथ का दर्शन किया। वहां से ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ महाराज के समाधि स्थल पर मत्था टेका और सीधे ऊपर प्रथम तल स्थित माँ दुर्गा मंदिर, जहाँ मुख्यमंत्री एवं गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। प्रथम तल पर स्थित दुर्गा मंदिर में गोरक्ष पीठाधीश्वर एवं मुरारी बापू जी ने माता दुर्गा जी का पूजन अर्चना किया। तत्पश्चात बैठक कक्ष में करीब एक घंटे तक नाथ संप्रदाय पर विस्तृत चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने मुरारी बापू को गोरखनाथ मंदिर जी की महिमा और उनसे जुड़े हुए सभी प्रकार की कथाओं का वर्णन किया। इस अवसर पर उन्होंने कुंभ प्रयागराज 2019 का पुस्तक का सप्रेम भेंट दिया, उसके साथ ही अंग वस्त्र से सम्मानित किया। तत्पश्चात करीब एक घंटे की मुलाकात के बाद श्री मुरारी बापू जी अपने वाहन से अपने कुटिया के लिए रवाना हो गए। उपस्थित अभिषेक खेमका, सतुआ बाबा सहित कथा के यजमान मौजूद रहे। आप